चुनावों के ठीक पहले बीजेपी छोड़कर नए समाजवादी नेता बने स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान ज्यादातर विवादित ही रहती है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी के चार चरणों के चुनाव में भाजपा साफ हो चुकी है, उसके साथ देने वाले नौजवान किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ऐसे में उनसे बात की न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर तिलक चावला ने। सुनिए कैसी तैयारी है इस बार रण में? बीजेपी का उत्तर प्रदेश सुपड़ा साफ करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन आपकी सीट पर कैसी? वहां पर विरोधियों की जमानत जब्त होगी। मौर्य जी, इस बार जो स्थिति बनी हुई है चुनाव में, जनता मौर्य जी के साथ कितना जुड़ रही है? ठीक है, समाजवादी पार्टी में आप आ गए, लेकिन आपके साथ कितना जुड़ रही है? हमारे साथ लाखों का जनधार सदैव रहता है, आज भी है और लगातार ये बढ़ता रहता है। लेकिन साख आपकी दाव पर है, दाव पर साख आपकी है मौर्य जी? साख बीजेपी के है, मैं सबकी साख बिगाड़ने में। पीएम ने कहा, पीएम ने तो। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका दावा है कि जनता एक बार फिर से उनके चेहरे पर दाव लगाएगी और उनके आने से समाजवादी पार्टी को बेहद लाभ हुआ है। लेकिन क्या वाकई में हुआ है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ग्राउंड जीरो से लगातार तमाम दिग्गजों की कवरेज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अपने सहयोगी अशोक के साथ मैं तिलक चावला, कुशीनगर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।